12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश. सेकेंड नॉवेल टू सर विथ लव ई आर ब्रेथवेट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. यस ऑटोबायोग्राफिकल यू नो ऑटोबायोग्राफिकल आत्मचरित्र वन हू राइट्स अबाउट वन्स लाइफ दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. करेक्ट माय डियर दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. यस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सच्ची कहानी है ट्रू स्टोरी. एज यू नो लेट मी टेल अबाउट द नरेटर ई आर ब्रेथवेट. एक्चुअली बींग ब्लैक ही सफर्ड अ लॉट. एज यू नो देर वॉज टाइम इन यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटन वेर येस ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड व्हेरी क्रुएली. करेक्ट एंड देवर द विक्टिम ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन एंड द राइटर सफर्ड अ लॉट. एक्चुअली ही वॉज वर्किंग इन एयरफोर्स फर्स्टली एट ब्रिटिश एयरफोर्स. आफ्टर दैट ही वॉज इंजीनियर. एक्चुअली अर्लियर ही वॉज एन इंजीनियर. ही वर्क इन ऑयल रिफाइनरी. आफ्टर दैट ही वर्क इन दैट एयरफोर्स एंड आफ्टर दैट टू रेस्पेक्ट द टाइम ही अटेंडेड वन स्कूल एज अ टीचर. ही वर्क इन अ स्कूल एज अ टीचर. उस स्कूल की कहानी है. यस अ ट्रू स्टोरी माई डियर. कहानी है 15 नवंबर की. इन दैट स्कूल वॉट हैपन एवरी हाफ ईयर देर इज अ स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम. एक्चुअली इन दैट प्रोग्राम वॉट हैपन इट्स हाफ ईयरली एकेडमिक ईयर. इन दैट वन दे यूज टू डिस्कस द वॉट दे हैव लर्नड द डेवलपमेंट द प्रोग्रेस अबाउट दैट वन. लेकिन वेन द राइटर ज्वाइन दिस स्कूल यू नो द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दे लिटरली टॉर्चर्ड हिम मेंटली फिजिकली. दे वुडंट लिसन टू हिम बट द राइटर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन देयर मेंटेलिटी. फिर हर 6 महीने के बाद स्टूडेंट्स का क्या डेवलपमेंट होगा व्हाट दे हैव लर्नड अबाउट कल्चर इंफॉर्मेशन कस्टम ट्रेडिशन एवरीथिंग. देर वॉज अ रिपोर्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम ऑन 15 नवंबर आफ्टर ईस्टर. करेक्ट एंड आफ्टर माई डियर व्हाट हैपन दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट हाफ ईयरली एकेडमिक ईयर 15 नवंबर दैट प्रोग्राम स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम. विच वन स्टूडेंट्स काउंसिल प्रोग्राम. कहानी स्टार्ट होती है. इसमें क्या होता है पहले हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरिन. यस उनके साथ है स्टेज पे मिस जोसेफ एंड डेनहम. दे आर द प्रिसाइडिंग ओवर द फंक्शन इन आवर लैंग्वेज एंकरर वन हु बिगेन द फंक्शन. यस वन हु एज अ व्हाट आई एम से एंकरर और कंपेयरिंग. करेक्ट कहानी स्टार्ट होती है. नाउ 10 o'clock दे गैदर्ड ऑल द स्टूडेंट्स वेल पॉलिश एंड ऑल दैट. अब यहाँ पे अपना जो राइटर है हु इज द मिस द व्हाट आई एम से लाइक अवर क्लास टीचर ऑफ दैट स्कूल. ही वॉज वेरी एंक्शियस टू नो द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. नाउ द प्रोसेस बिगेन. नाउ द प्रोग्राम स्टार्ट. फर्स्टली लोवेस्ट क्लास से प्रोग्राम स्टार्ट होता है. उस क्लास का हर बच्चा दे वुड कम ऑन द स्टेज एंड रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट. एवरी सब्जेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. करेक्ट फर्स्टली लोवेस्ट क्लास से स्टार्ट होके राइटर का क्लास लास्ट है. नाउ हियर मिस्टर फ्लोरिन हेडमास्टर उनके साथ डेनहम और मिस जोसेफ ये जो दो स्टूडेंट है दे आर प्रिसाइडिंग ओवर द फंक्शन इन आवर लैंग्वेज एंकरर. एम राइट इन आवर लैंग्वेज एंकरर. नाउ मिस्टर फ्लोरिन स्पीच वॉज लेंदी. उन्होंने बढ़िया स्पीच दिया. लेंदी था बट इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड ही श्योरली एक्सपेक्टेड मोर डेवलपमेंट फ्रॉम द स्कूल मोर डेवलपमेंट फ्रॉम द स्कूल एक्चुअली. करेक्ट नाउ ए होने के बाद अब लोवेस्ट क्लास से लेके सीनियर क्लास तक हर स्कूल मीन्स हर क्लास के बच्चे आके स्टेज पे दे वुड रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट व्हाट दे हैव लर्नड. करेक्ट नाउ द राइटर्स क्लास मीन्स इट वॉज टर्न ऑफ राइटर क्लास योर ब्रेथवेट्स क्लास जो अपने स्टोरी के मेन नरेटर है जिनके ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. नाउ उस क्लास में पहले आ गए जोसेफ. लेट मी क्लियर. फर्स्टली देर वॉज जोसेफ. जोसेफ टॉक अबाउट इंटरडिपेंडेंट ऑफ मैनकाइंड. इंटरडिपेंडेंट ऑफ मैनकाइंड. करेक्ट आफ्टर दैट पॉटर टॉक्स अबाउट मैथ्स. उस क्लास के बच्चे जो है स्टेप बाय स्टेप दे आर कमिंग आउट. नाउ पॉटर टॉक अबाउट मैथ्स स्पेशली ही टॉक अबाउट वेट एंड मेजर. करेक्ट दिस इज समरी. आई एम जस्ट टेलिंग समरी. ओके आफ्टर दैट सेपियोनो टॉक्स अबाउट पेस्ट.
revolution in what I'm say controlling of the diseases, pest control and all that. After that, Miss Peck and Jackson, they talk about geography. They talk about geography. बाद में नंबर आता है मिस डेर एंड फर्मन फर्नमैन दे टॉक अबाउट फिजियोलॉजी दे टॉक अबाउट फिजियोलॉजी आफ्टर दैट इट वॉज टर्न ऑफ सिंगल फर्मन ही टॉक अबाउट स्केलेटन एक्चुअली क्या है ही वॉन्ट उन्होंने उसने तो एक बढ़िया मीन्स ही ब्रॉट लॉफ्टर फॉर द क्लास उसने क्या किया ही ब्रॉट वन स्केलेटन एंड टोल्ड द क्लास टोल्ड ऑल द असेंबली दैट वी आर डिफरेंट इन एनी वेज बट He, mankind is the common factor among all the people of the world. And he brought as a prop, skeleton for that. Okay. Baad mein, Miss Dot talk about history. Her bacha, he's talking about certain thing. Talk about history. Baad mein, there was turn off Miss Joseph. Miss Joseph talk about domestic science. Her student he was appointed, he or she was appointed for certain topic, certain subject, not topic, subject. Next, it was turn of Denham. Denham talk about PT games. Yahan pe problem hota hai. Denham was so arrogant, not arrogant, so sturdy about his opinion. And he strongly said, what is the use of PT? How two lectures of PT or games lecture will be helpful for students? He strongly objected the concept of PT. Yes. Now, my dear students, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट का पूरा सीनेरियो खत्म हो जाता है दे टॉक अबाउट डिफरेंट दे आर द नेम्स प्लीज जोसेफ पॉटर सेपियोनो मिस पेक एंड जैक्सन मिस डेर एंड फर्मन फर्मन अगेन स्केलेटन ही टॉक अबाउट मैनकाइंड मिस डॉट दो मिस जोसेफ एंड डेनहम अब इन बच्चों का पूरा सेशन खत्म हो गया नाउ इट वॉज टर्न फिर क्या करते बच्चे मीन्स ऑल द टीचर्स नेम वर कलेक्टेड इन दैट हैट और उनमें से तीन टीचर का नाम निकालते थ्री नेम्स वर टेकन हियर टीचर डीन नो फिर टीचर का पैनल स्टेज पे आता है पैनल आने के बाद टीचर हैड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट लेकिन टीचर को ये मालूम नहीं है कि किसका नंबर ऊपर है मीन्स विच टीचर विल बी कॉल्ड सो थ्री चीट्स वर टेकन तीन चीट्स निकाले गए पहला टीचर आ गए मिस्टर वेटसन यस मिसेस डायल एवांस एंड मिस फिलिप्स मिस फिलिप्स लेकिन इनमें से जो मिस्टर वेटसन है ही इज नॉट व्हाट आई एम से वेरी रेगुलर और मे बी गुड नेचर पर्सन ही इज समवॉट एरोगेंट इन नेचर एंड हिज बिहेवियर ऑन द स्टेज वॉज नॉट एप्रोप्रिएट नॉट प्लीजेंट ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट ऑल्सो लेकिन देर वॉज अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन डेनहम एंड मिस फिलिप एक्चुअली उस स्कूल में मिस फिलिप वॉज नॉट रेस्पेक्टेड She was considered as just only brainless like that. Kimat nahi apni language mein. Lekin Denham point was strongly managed by Miss Philip nicely. Denham ka point kya tha? What is the use of PT and games? What is the use of PT and games? Yes. Aur ye pura means all this activity, who is watching? Our narrator, E.R. Breathwaite. And he is very happy ki mere student, they are performing very well. Actually, he was very anxious. And when he saw that they perform very well, he was satisfied. Lekin last ka point very important hai. Denham point was that ab is session mein kya hota hai? Teen teacher upar stage pe and student asks. It's really challenging for teacher also because they are not well prepared. Aur unko ye malum nahi ki they have to sit on the stage. Randomly cheats are taken. Phir teen teacher aa gaye, Mrs. Weston, Mrs. Dell Evans and Miss Philip. Abhi tak Miss Philip ko utna achcha teacher nahi mana jata tha. But she strongly managed, skillfully managed the point of PT and games mentioned by Denham. She told that, Denham ka point kya tha? What is the use of PT, two PT classes or games classes? Actually, he was a boxer. He was a boxer, a champion. And he thought that no use of such. But Miss Philip managed so nicely, telling that actually timetable of any certain school is for everyone student's convenience, not targeting one student. And mental, physical fitness are very important. So, we have to respect all the timetable given by the school. She managed it so skillfully, everyone was surprised. Abhi tak Miss Philip was considered as really brainless or maybe simple teacher.
But she proved the point and she managed and showed the skill of her confidence. My dear, seeing the performance of all the students, our narrator was very happy, because he changed the scenario of the class. He changed the mentality of the class. Jo bachche unko bahut takleef dete the, they were well groomed, well managed and well trained by our narrator. Yes, and that's why the story finishes here with this wonderful ending. I hope that you must have liked this summary. Okay? Yes, my dear? Okay, take care. Please read this topic.